हाय गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली हम लोगों की प्लानिंग थोड़ी सी खराब हुई है, बट थोड़ी सी खराब हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिर गए हैं और संभल नहीं सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम सीए स्टूडेंट हैं, और ऐसे सरप्राइजेस इंस्टीट्यूट की तरफ से हो या कहीं और से हो, ऐसे सरप्राइजेस हमारे जीवन का एक हिस्सा है और ये नॉर्मल चीज है। जितना इस सिचुएशन को नॉर्मल लेके चलोगे उतना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अब से लेकर हमें पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करनी है, अदरवाइज हम उन बच्चों की श्रेणी में आ जाएंगे जो बच्चे बोलते तो बहुत कुछ हैं बट कर कुछ नहीं पाते। हम उन बच्चों की श्रेणी में आना चाहते हैं जो बोलेंगे कम और करके दिखाएंगे। ठीक है, पोस्टपोन नहीं हुए, हम सबके प्लान्स खराब हुए। मैं सच बता रहा हूं, हम सबके प्लान्स खराब हो गए। इवन एज अ टीचर मैं आपको बोल सकता हूं कि मेरे भी बहुत सारे प्लान्स थे कि मैं अगर एग्जाम पोस्टपोन होगा तो मैं आपको बहुत सारी चीजें और भी दूंगा। डिस्टर्ब हुई है बट मैंने भी हार नहीं मानी, और मुझे यकीन है उन सभी बच्चों ने हार नहीं मानी है जिनको एक्चुअली में मई 24 एग्जाम्स क्लियर करने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पर्टिकुलर शीट मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं, डाउनलोड का आप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। ये पूरा वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली स्पेसिफिक फॉर एडवांस अकाउंटिंग बट ओवरऑल फॉर योर ऑल इंटायर सीए इंटर सब्जेक्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स। अब ये पूरा का पूरा हमें मई 24 की स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो जरूर फॉलो करना, कुछ पोर्शन अच्छा लगे तो उतना पोर्शन फॉलो करना, और ये अगर वीडियो भी अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि सर मई 24 में जितना भी टाइम हमारे पास बचा है हम उसको कैसे यूटिलाइज करें, कितने दिन हम कितने सब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करें, और हमारे पास जो भी कंटेंट है हम कितना कितना कंटेंट कवर करके जाएं। ठीक है, अभी यही है हमारे पास, क्योंकि अब स्ट्रेटेजी हमें रिवाइज करनी पड़ेगी। पहले हमने पोस्टपोन के हिसाब से सोचा था, अब तो पोस्टपोन हो नहीं रहा, तो ध्यान से देखिएगा कैसे कवर करना है। अब यहां पर सबसे पहले मैंने बच्चों को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं सिचुएशन उनके साथ इतनी तो टफ नहीं है, बिकॉज वो सारे स्टूडेंट्स, आप मुझे ध्यान से सुनना, अगर आप अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो गाइज, आप उन बच्चों को देखो जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं, आप उनको देखो, वो हार नहीं माने हैं, उन्होंने अभी भी लड़ाई कर रहे हैं और ढंग से करते रहेंगे। तो एज अ सिंगल ग्रुप स्टूडेंट आपको तो उनसे आगे ही रहना है, बिलीव मी। इवन दो अगर आप अभी भी अपने लेक्चर्स देख रहे हो कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपके बैकलॉग्स चल रहे हैं कोई बात नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको 5 अप्रैल तक किसी भी हाल में अपने बैकलॉग को कंप्लीट करना है। मैं 5 अप्रैल मैक्सिमम बोल रहा हूं, अगर इवन उससे पहले 31 मार्च तक हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 5 अप्रैल तक आप अपना बैकलॉग कंप्लीट करो। 5 अप्रैल के बाद आप बैकलॉग कंप्लीट करोगे तो 6 अप्रैल से लेकर आपके पास फिर भी सेकेंड मई तक, क्योंकि 3 मई को अपना एग्जाम है, फिर भी अपने पास 25 से 28 दिन बचेंगे, और 28 दिन में 3 सब्जेक्ट करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप वैसे ही सिंगल ग्रुप कर रहे हो, आपका अभी बैकलॉग भी चल रहा है तो आप वही सब्जेक्ट कर रहे हो, आपको वही सब्जेक्ट वापस से उठाने 25 दिन में। ठीक है, अच्छा इन बच्चों को मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि जब 6 अप्रैल से आप अपना पूरा प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करोगे तो आपको उल्टा चलना है, रिवर्स चलना है। रिवर्स मतलब सबसे पहले आपको टैक्स उठाना है, आपको टैक्स खत्म करना है। अगर आपने टैक्स को एक दो दिन टाइम कम भी दिया तो चलेगा, क्योंकि टैक्स में आपकी अच्छी खासी छुट्टियां हैं। ठीक है ना, 3 छुट्टियां हैं, उसके बाद आपको लॉ उठाना है और उसके बाद आपको एडवांस अकाउंट उठाना है। अब यहां पर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि सर दिन में हमें 2 सब्जेक्ट उठाने चाहिए कि 1 सब्जेक्ट उठाना चाहिए, ये आपका मर्जी है। 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम उठाना चाहिए, अगर आप 1 सब्जेक्ट भी उठा रहे हो तो चलेगा। मैं जो स्ट्रेटेजी अभी सबको दे रहा हूं, चाहे वो सिंगल ग्रुप हो चाहे बोथ ग्रुप हो, मैं मान के चल रहा हूं कि मिनिमम 10 आवर्स इफेक्टिव आप पढ़ाई करोगे ही करोगे, बल्कि उससे भी ज्यादा करनी चाहिए, बट मिनिमम 10 आवर्स तो आपको पढ़ाई करनी करनी है, ये मैं मान के चल रहा हूं, मिनिमम 10 आवर्स। तो अब वो बच्चे जो बोथ ग्रुप वाले हैं, सिंगल ग्रुप वाले समझ गए होंगे, सिंगल ग्रुप वालों के लिए ये वीडियो यहां पर था। प्लीज अगर आपको आगे नहीं बढ़ना तो कोई बात नहीं, लाइक मारकर आप लेक्चर को बंद कर सकते हो, वीडियो को बंद कर सकते हो, आप लाइक मार के जरूर जाना। अब आते हैं बोथ ग्रुप की बात करते हैं। बोथ ग्रुप वालों में भी अभी सिचुएशन क्या होगी, सर मेरा कुछ बैकलॉग चल रहा है, ठीक है ना, मेरा कुछ बैकलॉग चल रहा है, एडवांस अकाउंट्स का बैकलॉग होगा, एफएम का बैकलॉग होगा, टैक्स का बैकलॉग होगा, किसी भी सब्जेक्ट का बैकलॉग होगा, या फिर कुछ बच्चे होंगे जिनका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। पहले अपन बैकलॉग वाले बच्चों की बात करते हैं, क्या तुम अपना बैकलॉग 31 मार्च तक कंप्लीट कर सकते हो? मैं एक बात बताऊं, करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। सबसे पहले बोथ ग्रुप वालों, जो तुमने अपनी स्ट्रेटेजी बोथ ग्रुप की बनाई हो रखी थी, ठीक है, उसको डिस्टर्ब मत करो। अगर तुम पहले से ही बोथ ग्रुप में ढंग से प्रिपेयर थे, बस पोस्टपोन के चक्कर में तुमने सोचा था कि थोड़ा और अच्छा कर लेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी भी अपने बोथ ग्रुप के प्लान पर स्ट्रिक्ट रहो। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि आप बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप में आ जाओ। बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप में कौन से बच्चे को आना चाहिए, जिस बच्चे ने ये सोचा था कि यार एग्जाम पोस्टपोन होंगे
टू में दोनों ग्रुप दूंगा, नहीं तो मैं सिंगल ग्रुप दूंगा। एग्जाम पोस्टपोन होंगे तो मैं ग्रुप टू का ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट देख लूंगा या इसका एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स ले लूंगा वगैरह वगैरह। उस बच्चे को जरूर एक बार सोचना चाहिए कि नहीं अब तो पोस्टपोन नहीं हो रहा है, तो भैया अब आपको अपने पुराने वाले प्लान पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो किसी भी हाल में सबसे पहले तो 31 मार्च तक अपने बैकलॉग को कंप्लीट करो। अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, 31 मार्च तक आराम से दिन रात एक कर लो और अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर लो। बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए अगर तुम्हें लगता है कि सर रेगुलर लेक्चर्स बहुत ज्यादा हैं तो रिविजन लेक्चर्स देख लो यूट्यूब से, ठीक है ना। अगर तुम्हारे जो मेन लेक्चर्स है वो ज्यादा पड़े हैं और अगर तुम्हें यूट्यूब पे उन्हीं अपने ही फैकल्टी के इवन मेरे भी अगर तुम्हें रिविजन लेक्चर्स दिख रहे हैं रिस्पेक्टिवली दिख रहे हैं तो तुम पहले उनको प्रायोरिटी दो। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूं उससे भी हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे मैं अपने एडवांस अकाउंट्स की बात करूं, अगर आप लोगों का बैकलॉग है और मान लो आपको आपके पास मेरे रेगुलर लेक्चर्स रखे तो आप चाहो तो मेरे रैपिड रिवीजन के लेक्चर से भी एक बार ट्राई कर सकते हो। मुझे यकीन है कि आपको हो जाएगा, आपसे हो जाएगा। तो 31 मार्च के लिए बैकलॉग के लिए अपनी कोई रिवाइज स्ट्रेटेजी बना के 31 मार्च तक कंप्लीट कर लो। उसके बाद इट वुड बी ऑलवेज बेटर अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो इट वुड बी ऑलवेज बेटर कि जब आप 1 अप्रैल से एक एक सब्जेक्ट उठाना शुरू करोगे तो आप दिन में भले 2 सब्जेक्ट करो। अब आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट आपको ग्रुप टू का उठाना है, एक सब्जेक्ट आपको ग्रुप वन का उठाना है। आपने ग्रुप टू का उठाया कॉस्टिंग और 5 अप्रैल तक खत्म कर दिया, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल, मतलब 5 दिन में आपको कॉस्टिंग खत्म करना है। साथ ही साथ आपको टैक्स चलाना है, टैक्स आपका चलेगा 12 अप्रैल तक। क्यों? क्योंकि टैक्स में डीटी भी है, आईडीटी भी है और अपन टैक्स को देंगे। मैंने बोला ना 10 घंटे के हिसाब से अगर बात करें तो आपको कॉस्ट चलाना है और आपको टैक्स भी साथ में चलाना है। तो कॉस्ट आपको कितना चलाना है, कॉस्ट आपको चलाना है 5 दिन लगातार, ठीक है ना। कितने घंटे चलाना है आपको, 5 घंटे मिनिमम। तो 5 घंटे × 5 दिन कितना हुआ, 25 घंटे। सर 25 घंटे में थोड़ी हो पाएगा बेटा, 25 घंटे में आप एटलीस्ट 70% तो कर सकते हो कोर्स। आपको कौन कह रहा है कि आप पूरा 100% कवर करो, आप वो सारे मेजर टॉपिक्स कर लो जो एग्जाम में आना तय है, 70-75% कर लो। टैक्स को 12 दिन में आपको मैं दे रहा हूं करने को, और इवन अगर टैक्स को 12 दिन से भी थोड़ा कम हो सके तो दे देना, भले 10 दिन दे देना, तो 2 दिन तक चाहो तो तुम अगर कॉस्ट को बढ़ा सको तो बढ़ा लेना। क्यों? क्योंकि टैक्स में तुम्हारी 3 दिन की छुट्टी है और टैक्स में तुम आसानी से 10 दिन में भी निपटा सकते हो। 5 आवर्स × 10 डेज 50 आवर्स आर सफिशियंट फॉर टैक्स, ठीक है। फिर कॉस्ट के साथ तुमने टैक्स उठाया, कॉस्ट हमारा 5 अप्रैल को खत्म हुआ। फिर तुमने 6 अप्रैल से ऑडिट उठाया, ऑडिट को भी तुम्हें 5 दिन देने। सर 5 दिन कम नहीं है बेटा, ऑडिट में भी तुम्हारी 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो तुम ऑडिट को अगर 5 दिन दे रहे हो तो तुम बहुत ज्यादा दे रहे हो। मैं तो कहूंगा कि कॉस्ट का भले चाहो तो 1 दिन बढ़ा के ऑडिट का 1 दिन कम कर देना। तो ऑडिट को तुम्हें 6 तारीख से 10 तारीख तक देना है, तुम्हारा टैक्स यहां से चल ही रहा है, 12 अप्रैल तक चलता रहेगा। फिर तुम्हारा उसके बाद तुम 10 तारीख के बाद उठाओगे FMSM, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है तो मैंने यहां पर इसको 7 दिन दिए। तुम चाहो तो 1 दिन यहां से भी हटाकर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जल्दी हो जाएगा तो 1 दिन हटाकर तुम कॉस्ट को दे सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तुम्हें अपने हिसाब से रेंडमली चेंज करना पड़ेगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो तुम 17 तारीख तक क्या होगा, अब देखो बात को समझो, 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक तुम्हारा ग्रुप 2 खत्म हो जाएगा और 1 तारीख से लेकर लगभग 15-16 तारीख तक तुम्हारा टैक्स भी हो जाएगा इधर से, ठीक है ना। इधर से तुम्हारा सॉरी 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक तुम्हारा टैक्स भी हो जाएगा और तुम्हारा लॉ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें लॉ उठाना है। लॉ तुम्हें कब से उठाना है, 12 अप्रैल के बाद, मतलब 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक तुम्हें लॉ उठाना है। अब यहां पर मैं जब दिन बोल रहा हूं तो तुम इसको नंबर ऑफ आवर्स भी ले सकते हो। जैसे मैंने लॉ को कितना टाइम दे दिया, मैंने लॉ को दे दिया 80 आवर्स। अब तुम 80 आवर्स चाहो तो पूरे 8 दिन लगातार उठाओ या फिर तुम आधा आधा करके उठाओ, जैसे FMSM के साथ मिलकर उठा लिया। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो सॉरी 80 आवर्स ये नहीं था, 8 दिन आपके हो गए, 8 × 5 40 आवर्स हो गए। तो 40 आवर्स में आप लॉ आराम से खत्म कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में पूरा लॉ कर रहे हो या फिर आप आधा आधा कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप 20 अप्रैल तक खत्म कर सकते हो। 20 अप्रैल के बाद भी तुम्हारे पास पूरा अप्रैल का 10 दिन और उसके बाद 2 दिन आपके मई के बचेंगे, मतलब 12 दिन आपके पास फिर भी बचेंगे। 12 दिन एडवांस अकाउंट्स के लिए सफिशियंट नहीं, बहुत ज्यादा है। तो अगर तुम लोगों का बैकलॉग हल्का फुल्का एडवांस अकाउंट्स का छूट भी गया तो लास्ट के 12 दिन भी देख सकते हो। बैकलॉग अगर तुमने पहले कवर कर लिया और इनमें से अगर मान लो तुम्हारा कुछ पीछे छोड़ गया, तो अगर मान लो तुम एडवांस अकाउंट्स 20 अप्रैल को नहीं 22 अप्रैल को भी शुरू करते हो, मैं तो कहता हूं 24 अप्रैल को भी शुरू करते हो, तो वेल एंड गुड है, इनफ है, बहुत इनफ है, ठीक है ना। एडवांस अकाउंट्स को शिद्दत से करने के लिए 8 दिन चाहिए। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, कॉस्ट के साथ टैक्स करो, ऑडिट के साथ टैक्स होता रहेगा और उधर FMSM के साथ लॉ उठा लेना, ठीक है। और कोशिश करना कि 20 तारीख तक हो जाए, 20 तारीख तक नहीं हुआ तो मैक्सिमम 22-23 तारीख तक कंप्लीट कर लो अपना कंप्लीट ये रिवीजन, ताकि उसके बाद 23 के बाद आप 24 से प्रॉपर तरीके से एडवांस अकाउंट के लिए सिट डाउन हो जाओ, ठीक है। जिन बच्चों के लेक्चर हो चुके हैं उनके पास तो उनकी तो बल्ले बल्ले, उनको तो अभी से लेकर रिविजन प्लान करना चाहिए।
अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास 40 दिन है। अब 40 दिन है आप ये लेक्चर देख रहे हो, तब से लेकर 40 दिन में बोल रहा हूँ। हो सकता है आप लेक्चर बाद में देख रहे होगे तो 35 दिन भी होंगे, पर ठीक है आप हल्का फुल्का मोल्ड कर सकते हो। कितने दिन कितने सब्जेक्ट को देने चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। आपके लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, आपका कोई बैकलॉग नहीं है, आपने रिविजन शुरू कर लिया है। एडवांस अकाउंट्स को आपको मिनिमम 8 दिन देने हैं, लॉ को आपको 5 दिन देने हैं, टैक्स को आपको 7 डेज देने, कुल मिला के होगा 20 दिन। और सेम 20 दिन आपको देने हैं ग्रुप टू को, मतलब ग्रुप वन को 20 दिन, ग्रुप टू को 20 दिन। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि भाई सिंगल ग्रुप सॉरी फर्स्ट ग्रुप को हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं और सेकंड ग्रुप को कम टाइम दे रहे हैं। देना अपने को बोलो दोनों ग्रुप है, अपने को मार्क्स दोनों ग्रुप में सेम चाहिए, अपने को दोनों ग्रुप में पास होना है। तो दोनों ग्रुप को अपन ने 20-20 डेज में बांट दिया, ठीक है। एडवांस अकाउंट्स को मैं 8 दिन दे रहा हूं, 8 दिन में से भी तुम चाहो तो 2 दिन तुम शुरू शुरू में दे सकते हो और आखिरी के दिन तुम 6 दिन दे देना। शुरू शुरू के 2 दिन में तुम क्या दोगे, स्टार्टिंग के 2 दिन में तुम ऐसे टॉपिक कर सकते हो जो तुम्हें बहुत ही इजी लगते हैं, जैसे बायबैक हो गया, जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। जो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अगर आखिरी के 6 दिन, अगर एग्जाम के 6 दिन पहले कुछ ऐसे टॉपिक है जो मैं नहीं भी उठाऊं और डायरेक्टली एग्जाम में अभी करके डायरेक्टली एग्जाम भले मैं 1 महीने बाद भी दूंगा तो चलेगा, तो भी हो जाएंगे, तो ऐसे टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ऐसे टॉपिक आपके हो सकते हैं बायबैक, ऐसा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो ऐसा हो सकता है, और कुछ एएस भी हो सकते हैं जो एएस आपको इजी लगते हो, जैसे AS7 हो गया, AS13, AS12 गवर्नमेंट ग्रांट। तो ऐसे कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो जो तुम 2 दिन में अभी कंप्लीट करके रख सकते हो। इससे होगा क्या, तुम अपना 15-20-25% पोर्शन अभी कंप्लीट कर लोगे 2 दिन में। मान लो 20% पोर्शन कंप्लीट कर लिया 2 दिन में, तो वो ऐसे कंप्लीट करना है कि तुमने अगर एग्जाम टाइम में तुम्हें अगर टाइम नहीं भी मिला उठाने का तो कोई बात नहीं, तो बाकी के लास्ट के 6 दिनों में तुम बचे हुए 80% पोर्शन को कवर करोगे। और इस तरीके से तुम्हें मैनेज करना है। अब अगेन वही वाली बात, दिन में 10 घंटे पढ़ने हैं और 1 दिन में 1 सब्जेक्ट करना है कि 1 दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, वो तुम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कर सकते हो, वो तुम जानो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर मेरा 1 दिन में पूरा 1 सब्जेक्ट मेरे को भारी पड़ रहा है, तो 2 कर लो, एडवांस अकाउंट और कॉस्टिंग। जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला कि अभी फिर ऐसा करो, तुम लोग भी इस तरीके से करो, कॉस्टिंग प्लस टैक्स साथ में कर लो, फिर ऑडिट के साथ टैक्स करो, फिर ऐसे FMSM के साथ लॉ करो, और एडवांस अकाउंट फिर लास्ट में करते रहना। अभी एडवांस अकाउंट के 2 दिन बस निकाल लो इस तरीके से। अगर लग रहा है कि नहीं मेरे को ना मैं सारे सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में पूरे दिन भर में कर सकता हूं, तो फिर तुम पीछे से चलो, लिटरली तुम पीछे से चलो। फिर ऐसे केस में सबसे पहले कॉस्ट उठाओ, खत्म करो 7 दिन में, ऑडिट उठाओ खत्म करो 5 से 6 दिन में, ऑडिट में 3 दिन की छुट्टियां, FMSM उठाओ खत्म करो, कॉस्ट ऑडिट FMSM, ग्रुप 2 खत्म कर दिया 20 दिन के अंदर, फिर उठाओ टैक्स क्योंकि टैक्स में 3 दिन की छुट्टियां भी है, ठीक है ना। तो टैक्स उठाओ, फिर उठाओ लॉ, और फिर उठाओ एडवांस अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से उठा सकते हो। ये तुम्हें डिसाइड करना है कि पूरे दिन भर में 10 घंटे तुम 1 सब्जेक्ट के साथ जीना चाहते हो कि 2 सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यहां तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके अलावा तुम्हारी और कोई सिचुएशन ऐसी है जो स्पेशल सिचुएशन है, कमेंट में मुझे अपना फीडबैक जरूर देना, कमेंट मुझे करके बताना, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के नए वीडियोस लाके बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब 2-3 चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना, फिर मैं आपको इसी वीडियो में एडवांस अकाउंट की 8 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि टॉप प्रायोरिटी टॉपिक्स कौन से हैं और आपको कैसे करना है। सबसे पहले MCQs आपको ICI के BOS के करने ही करने हैं। एक्स्ट्रा MCQs जो भी आपको रिस्पेक्टिव फैकल्टीज दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं टाइम मिल रहा है तो करके जाओ, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, पर आपको मिनिमम ICI वाले तो करने ही करने हैं। मैं भी जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स के MCQs देना मैंने शुरू कर दिए हैं, तो जितना टाइम मिल रहा है वो देते जाओ। अब ये सब मेरे MCQs हो गए, मेरे ऑडियो रिविजन हो गए, मेरे मास्टर प्रॉब्लम्स हो गए, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा पूरा एक लिंक है, एक ही लिंक है, उस लिंक के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, वो जाके देख लेना। ऑल इन वन फोल्डर करके मैंने बना दिया है। RTP MTP हमें देखना ही है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए RTP MTP हमें देखना ही है, हमें इसके अलावा कहीं और जाना ही नहीं है, RTP MTP हमें देख के जाना है। फोकस मोर ऑन राइटिंग प्रैक्टिस। अब जब तुम अपना रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते वक्त प्रैक्टिकल टॉपिक्स का कम से कम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, जैसे अमलगमेशन है, जैसे कंसोलिडेशन में, इनमें हो सकता है तुम्हें तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, पर जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया उसमें एक मास्टर प्रॉब्लम उठा लिया कर लिया, कैश फ्लो मास्टर प्रॉब्लम उठा लिया कर लिया, बायबैक का एक क्वेश्चन उठा लिया कर लिया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन उठा लिया कर लिया, AS है तो दो दो क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर लिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जितनी सॉल्विंग करोगे, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास 1 महीना है, 1 महीने बाद तुम भूल सकते हो अगर तुमने सॉल्विंग नहीं की, अगर तुमने अगर प्रैक्टिकल टॉपिक्स को भी बस टिक-टिक लगाया ना तो एग्जाम में तुम्हारे पास अप्रोच ही नहीं समझ में आएगी कि करना कैसे है। पर हार्डली हर एक टॉपिक में से दो दो क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, अंटिल अनलेस वो अमलगमेशन और कंसोलिडेशन हो तो उसमें 3-4 क्वेश्चन बनता है, पर प्रैक्टिकल टॉपिक्स की तुम्हें सॉल्विंग करनी है, और सॉल्विंग करते वक्त तुम्हें ज्यादा फॉर्मेटिंग पर काम नहीं करना है, सॉल्विंग जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटर पर करके बाकी लिख दिया, ऐसे सॉल्विंग करना है ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो सके। जो भी थ्योरी टॉपिक्स है अब उनको तुम कैसे पढ़ने वाले हो, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें स्ट्रेटेजी बता दी होगी, बट मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था मेरे को ना थ्योरी टॉपिक्स में सबसे ज्यादा डर लगता था, तो मैं क्या करता था,
लास्ट के दिनों में मैं थ्योरी टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते शॉर्ट समरी बनाता था, शॉर्ट समरी रफ राइटिंग में, रफ रफ में मैं शॉर्ट समरी बनाते जाता था जिसमें मैं कीवर्ड्स को यूज कर सकूं। और हुआ क्या कि वो शॉर्ट समरी कुछ कुछ टॉपिक में तो इतनी अच्छी बन गई कि एग्जाम के एक दिन पहले वो मैं शॉर्ट समरी भी देख लेता था कि हाँ यार इतना इतना पोर्शन है, इसमें ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, बस दैट्स इट। तो शॉर्ट समरी से दो बातें हो जाएंगी, एक तो तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी सी बढ़ जाएगी थ्योरी टॉपिक्स के लिए, और दूसरा लास्ट डे बिफोर एग्जाम जो होगा उसमें तुम्हारे पास शॉर्ट समरी रेडी हो जाएगा, तो उससे क्या होगा आगे चल के लास्ट डे बिफोर एग्जाम में तुम इसको रिफर कर सकते हो। पर शॉर्ट समरी बनाने की कोशिश जरूर करना। अब वो तुम कैसे भी कर सकते हो, चार्ट फॉर्म में करो, पॉइंटर वाइज में करो, बस कीवर्ड्स का उपयोग होना चाहिए, ये ध्यान रखना। हमें अभी तक ये ध्यान में रख के चलना है कि हमें एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना, एक भी टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है। कोशिश करके यहां पर एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा। एंड आई कैन से एबीसी एनालिसिस के चक्कर में मत पढ़ना अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी पोजीशन बहुत ही खराब है। एबीसी एनालिसिस बहुत बार डुबा देता है, कैटेगरी ए टॉपिक कौन से हैं, कैटेगरी बी कौन से हैं। उस चक्कर में होता क्या है कि कैटेगरी सी को ओपन कभी करते ही नहीं है एग्जाम टाइम में, तो एबीसी एनालिसिस के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। एडवांस अकाउंट्स पे आता हूं, एडवांस अकाउंट्स की अब सुनो ध्यान से रिविजन स्ट्रेटेजी। एडवांस अकाउंट्स की पूरी रिविजन स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले रैपिड रिविजन लेक्चर्स वी स्मार्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल पे डालना शुरू हो गए हैं, उसका पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ऑल इन वन का मैंने आपको बता दिया जिसमें एमसीक्यूज डाले हैं, ऑडियो रिविजन डाले हैं, मास्टर प्रॉब्लम डाले, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से पूरी एडवांस अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनना और इसको अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करना। अभी तक अगर यहां तक आए हो और लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करके जाओ ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और कमेंट में मुझे बताना कि तुम्हें यह स्ट्रेटेजी कैसी लगी, और इसके अलावा मुझे यह जरूर बताना कि तुम्हारा अभी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ठीक है। चलिए एडवांस अकाउंट्स के 8 डेज स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। 8 दिन आपको एडवांस अकाउंट्स को ढंग से देने हैं। अब आप 2 दिन पहले दे दो तो बेटर है, और बाकी के बाद के 6 दिन भी दोगे तो चलेगा। कॉमन चीजें क्या मैंने आपको बता दी कि आपको थोड़ी सी सॉल्विंग करनी पड़ेगी, एक दो क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और क्या बता दिया, रैपिड रिवीजन लेक्चर्स हैं। अब यहां से जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बताते जा रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स में आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस है तो उस टॉपिक के रैपिड रिवीजन लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। जो जो टॉपिक में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम उसको उठाने के लिए पहले सबसे पहले मेरा रैपिड रिवीजन देखोगे। रैपिड रिवीजन में मैंने जितना भी वो टॉपिक करवाया तुम्हें, एक क्लास में दो क्लास में पूरा कंप्लीट कर लो, और फिर मैंने रैपिड रिवीजन में बोला है कि बेटा बाकी के क्वेश्चंस आप निपटा लीजिए। तो रैपिड रिवीजन देखने के बाद उस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चंस तुम्हें निपटाने हैं जहां जहां तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है। अब यहां पर मैंने पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, टॉप प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंट बस सेकेंडरी। ये एबीसी कैटेगरी नहीं है, ये बस ऐसा है कि मैं पहले क्या करूं और बाद में क्या करूं। ये इंपॉर्टेंट बट सेकेंडरी का मतलब ये नहीं हुआ कि इनको छोड़ के जाएंगे तो चल जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस इनको बाद में करेंगे तो चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, डे वन हमें बायबैक से शुरू करना है। बायबैक 2 क्वेश्चन सॉल्व करके, पूरा कॉन्सेप्ट देख के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके खटाक, साथ साथ आरटीपी एमटीपी अगर एक एक साथ साथ में निपटाते जा रहे हो कि बायबैक का क्वेश्चन आरटीपी में है क्या, हाँ चलो देख लिया, एमटीपी में है क्या, हाँ देख लिया, कोई एमसीक्यू है क्या जयसर का, चलो वो भी कर लिया, दैट्स इट, आगे बढ़ो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 1 मिनट के लिए अगर एमसीक्यू हटा भी दूं, एमसीक्यू के लिए मैं फर्दर आगे लेक्चर्स अगर लाऊंगा तो वो बाद में देखते रहना, 1 मिनट के लिए मैं एमसीक्यू हटा भी दूं तो अगर तुम्हें लगता है कि एमसीक्यू तुम्हारे ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो एमसीक्यू को अपनी स्ट्रेटेजी से हटा देना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, अब तुम्हें करने हैं सारे के सारे असेट बेस्ड कैटेगरी। अब यहां पर तुम्हें चार्टबुक बहुत काम आने वाली है और रैपिड रिविजन लेक्चर्स बहुत काम आने वाले हैं। जो टॉपिक में तुम आरआर के लेक्चर नहीं देखोगे वहां डायरेक्टली तुम कोई कुछ कुछ जगह से चार्टबुक भी रेफर कर सकते हो, ठीक है ना, या तो ट्रम्बुक रेफर कर लेना मेरा या तो चार्टबुक। और जो बच्चे मेरे स्टूडेंट नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास जो भी आपका रिस्पेक्टिव मटेरियल है अपने मटेरियल पर विश्वास करके आप अकॉर्डिंगली ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। आपको सबसे पहले ये सारी चीजें करनी है, मैं 10 घंटे का स्ट्रेटेजी बोल रहा हूं, आराम से हो जाएगा विद एक एक दो दो क्वेश्चन की सॉल्विंग करके आराम से कवर अप हो जाएगा। तो आपने बायबैक देख लिया, आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देख लिया, आपने ये सारे टॉपिक देख लिए, ये सारे आपके टॉपिक हो गए। फिर आए अपन डे टू पे, डे टू पे अपने बचे हुए असेट बेस्ड कैटेगरी के 2 टॉपिक बचे हुए, ये दोनों थोड़े से बड़े हैं तो ये आपका अच्छा खासा टाइम ले लेंगे, आधा दिन ले लेंगे। बाकी उसके बाद अब आपको शुरू करना है या तो अमेलगमेशन या तो कंसोलिडेशन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको अमेलगमेशन कंसोलिडेशन दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो भाई फॉलो करना है जैसा है। पर जो बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि वो डेलिमा में है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अमेलगमेशन बहुत जबरदस्त है कंसोलिडेशन अच्छा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त है अमेलगमेशन अच्छा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका दोनों अच्छा नहीं है पर दोनों को लग रहा है कि मैं दोनों में से क्या अच्छा से करके जाऊं। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि दोनों में से क्या अच्छे से तुम्हें करके जाना है। बट
अगर तुम डिलेमा में हो जिसमें एक एक टॉपिक तुम्हारा अच्छा है एक अच्छा नहीं है, किसी एक टॉपिक को मैं टॉप प्रायोरिटी रख रहा हूं और दूसरे टॉपिक को मैं सेकेंडरी रख रहा हूं। एमटीपी के पेपर पैटर्न से यह समझ में आ गया कि बिल्कुल चिंता मत करना, एमएल कमीशन का भी क्वेश्चन आएगा, कंसोलिडेशन का भी आएगा, 70% डिस्क्रिप्टिव में तुम चॉइस में क्वेश्चन छोड़ सकते हो। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि तुम ये टॉपिक करके ही मत जाओ, मैं बस ये बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि दोनों में से कोई एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा ले सकता है, उसको सबसे लास्ट में कैटेगराइज करो, डे 7 डे 8 पे सबसे लास्ट में कैटेगराइज करो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कंसोलिडेशन अच्छा नहीं है, उसको सबसे लास्ट में कैटेगराइज करो और सबसे पहले अमलगमेशन निपटाओ डे 2 पे। अब तुम्हारा डे 2 में अमलगमेशन पूरा हुआ नहीं होगा तो तुम्हें डे 3 में वापस से अमलगमेशन को कंटिन्यू करना है। ठीक है, और डे 3 में तुम्हारा अमलगमेशन हो जाएगा, मैंने पूरा रैपिड रिवीजन ले लिया है, वहां से देख लेना। फिर बाकी के ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें AS22 ही थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आसानी से हो जाएंगे। अब मैंने ये टॉप प्रायोरिटी कैसे किस बेसिस पे लिया, टॉप प्रायोरिटी में मैंने सारे चैप्टर्स ले लिए सिर्फ अमलगमेशन कंसोलिडेशन में से एक को छोड़कर, और बाकी मैंने अभी जितने भी केस स्टडीज देखी, एमसीक्यूज देखे, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि जैसे AS9 है, अच्छे खासे एमसीक्यू बन रहे, AS11 है, एमसीक्यू बन रहे, 22 पे बन सकते हैं, असेट बेस पे तो हमेशा अच्छे बनते ही है, तो इसलिए मैंने उनको टॉप प्रायोरिटी पे कर लिया। डे 4 मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा चिल रखा है, रिलैक्सिंग रखा है कि तुमने डे 1, 2, 3 में इतना खासा शायद नहीं कवर कर पाए तो तुम डे 4 में अच्छा खासा कवर कर सकते हो, तुम अपनी पेंडेंसी खत्म कर सकते हो और सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट साथ में करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर इज्जत से करोगे तो 4 घंटे में आराम से हो जाएगा, 4 घंटे का मेरा रैपिड रिवीजन डाला हुआ है, 4 घंटे में इज्जत से तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आराम से हो जाएगा बेटा। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं, बोलो जी क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पर मैं यहां जरूर बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर उसके बाद डे 4 होने के बाद, हाँ डे 4 हो गया तुम्हारा, अब डे 4 होने के बाद डे 5 में तुम्हें ब्रांच अकाउंट उठाना है, ब्रांच अकाउंट के साथ तुम्हें बाकी के सेकेंडरी टॉपिक्स उठाने हैं जैसे AS1, AS4, AS25 दोनों, ये सॉरी ये AS25 तो मैंने यहां ऊपर डाल दिया था तो बल्कि यहां पर हट जाएगा, तो AS1 और 4 मतलब डे 5 भी तुम्हारे लिए रिलैक्सिंग है। डे 5 में तुम ब्रांच अकाउंट्स अच्छे से निपटा सकते हो, ब्रांच अकाउंट्स का रैपिड रिवीजन का मेरा लेक्चर डाला हुआ है 8 घंटे का, तुम अगर उसको स्पीड में भी देखोगे तो 6, 6.5 घंटे में आराम से कवर कर लोगे, मतलब ओवरऑल ब्रांच अगर तुम 7 आवर्स में भी कवर कर लोगे तो तुम्हारे पास AS1 और AS4 कवर करने के लिए बाकी 3 घंटे इनफ है। ठीक है ना, इफेक्टिवली तो डे 5 में तुम्हारा ये हो गया। फिर डे 6 इस तरीके से तुम बाकी के AS निपटाओगे, डे 7 में तुम ये देखोगे कि भाई तुमने वहां पर अमलगमेशन किया था तो यहां तुम्हें कंसोलिडेशन करना है, तुमने वहां कंसोलिडेशन किया था तो यहां तुम्हें अमलगमेशन करना है, और पुरानी अगर कोई पेंडेंसी होगी तो तुम्हें वो निपटानी है। ठीक है, और डे 8 में आते आते तुम्हारा मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा, बट याद रखना कि कुछ जैसे फ्रेमवर्क वाला टॉप टॉपिक है वो मेरा यूट्यूब पे डाला हुआ है, इसके अलावा आरटीपी हो गया, एमटीपी हो गया, ये वाले टॉपिक्स भी अगर तुमने साथ साथ करते गए आरटीपी एमटीपी तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट में तुम्हें आरटीपी एमटीपी करनी पड़ेगी। आरटीपी एमटीपी से मुझे चीज याद आई कि आरटीपी और एमटीपी के अंदर जितनी भी केस स्टडीज आई हैं एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडीज, उनका मैंने एक सेपरेट वीडियो अप्रॉक्सिमेटली 1.25 घंटे का वीडियो जिसमें मैंने सारी आरटीपी एमटीपी की केस स्टडीज सॉल्व करवाई है, वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी लिया था, लाइव लिया था, और वो वीडियो मैं संडे को ले चुका था शायद, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वो देख लेना। अगर कोई पेंडेंसी बचती है तो तुम 8 दिन में आराम से निपटा सकते हो, तो 8 डेज स्ट्रेटेजी में तुम अपना एडवांस अकाउंट्स आराम से कवर कर सकते हो। 8 दिन या तो लास्ट में दे दो या तो 2 दिन अभी बीच में कहीं पर दो जिसमें इजी इजी टॉपिक्स हो जाएंगे। इजी इजी टॉपिक्स मैंने तुम्हें बता दिए हैं, बायबैक हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, कैश फ्लो हो गया, AS12 हो गया, AS13 हो गया, ये टॉपिक कर सकते हो 2 दिन में, और बाकी का बाद में 6 दिन में दे सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज एडवांस अकाउंट्स का कंप्लीट स्ट्रेटेजी, दिस वॉज इंटायर CA इंटर को कंप्लीट करने का स्ट्रेटेजी इन 35 to 40 days। एक चीज बोलना चाहूंगा, यहां तक आ चुके हो तो आखिरी बात एक सुन के जाओ, जिस दिन तुमने CA कोर्स में एंट्री ली थी उस दिन तुम बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं इस दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स कर रहा हूं। तुम्हें CA में एंट्री दिलवाते वक्त तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ था, तुमने अपने होशो हवास में रजिस्ट्रेशन किया था, तुम्हें यह तक तुमने सुन के रखा था कि CA का रिजल्ट बहुत कम आता है, और उसके बाद ही तुमने CA में एंट्री ली थी ना, तो तुमने क्या सोच के ली थी कि हाँ यार मुझ में इतना दम है मैं तो कर लूंगा। जब वो जज्बा उस टाइम पे था तो वही जज्बा तुम्हें आज भी लाना है और एग्जाम वाले दिन भी लाना है, और मुझे यकीन है तुम ऐसा करके रहोगे, क्योंकि उसी दिन जिस दिन तुमने CA में रजिस्ट्रेशन किया था उसी दिन तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ गए थे। तुम ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एंड यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि अब ऐसे छोटे मोटे झटके तो लगने वाले हैं। हम CA कोर्स कर रहे हैं, हमारे CA कोर्स के अंदर ऐसे झटके कई बार आते हैं, तो ये एग्जाम वाला भी अभी झटका लग गया कि चलो ठीक है एग्जाम 3 मई से है,
कोई बात नहीं, पर अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कम नहीं समझना है। और जो जज्बा उस समय था, जो जोश उस समय था कि हाँ मैं तो उस कैटेगरी का स्टूडेंट हूं जो एक बार में निकाल लेगा, वही जज्बा बस तुम्हें लाना है। आज सुबह ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, शी वॉज वेरी मच कंफ्यूज कि सर नहीं समझ में आ रहा, मेरे पूरे प्लान ऊपर नीचे हो गए। मैंने कम से कम 10 मिनट उनसे बात की, मैंने उनको बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। शी रियलाइज कि हाँ यार मैं कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रही हूं। आफ्टर दैट शी थॉट कि नहीं सर आराम से हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बच्चे लोग पैनिक ज्यादा कर रहे हैं और उस पैनिक के चक्कर में ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे उठाऊं, उठाने को नहीं हो रहा। गाइस अपने आप को बस एक बार पुश करो, और आज प्लीज अपने आप से प्रॉमिस करो कि यार अब बहुत हो गया, अब मुझे पढ़ाई पे बैठना है। आई आई कैन बेट यू अगर ढंग से अपने आप से प्रॉमिस किया ना, अपने अपने करियर को ध्यान में रखते हुए अगर ढंग से अपने आप से प्रॉमिस किया, 25% पोर्शन भी अगर एक बार कवर कर लिया ना, उसके बाद देखना तुम्हारी स्पीड अपने आप मैनेज हो जाएगी। क्या होता है ना, हमेशा शुरुआत करना ही टफ होता है, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। एक बार स्टार्ट हो जाए और 20-25% कोर्स हो जाए, फिर देखना कैसे भागते हो तुम लोग। बस स्टार्टिंग ही टफ होती है, फिर बहुत मजा आता है ना। वो जो एक डायलॉग था ना, शुरू मजबूरी में किए थे अब मजा आ रहा है, तो वो चीज होगी देखना तुम्हारे साथ। तो कमेंट में मुझे जरूर बता के जाना कि तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो कि नहीं। आज तुम्हें अपने आप से वादा करना है कि यस आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस टाइम, आई विल डेफिनेटली पास May 24। ये कमेंट में तुम्हें लिख के जाना है, आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आई विल डेफिनेटली पास May 24। ठीक है, अगर कमेंट में लिख के जाओगे तो कहीं ना कहीं उसी से तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मुझे बोलते बोलते मुझे मजा आ रहा है कि यस यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। गाइस सब हो जाएगा, मैं यही हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एग्जाम तक रहूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी बहुत सारा कंटेंट मुझे भी यूट्यूब पे तुम्हारे लिए लाना है, आराम से हो जाएगा, हम सब मिलके कर लेंगे। ठीक है, और यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, बच्चों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट में अपना प्रॉमिस मुझे करके जाना। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी जो भी रेलेवेंट है उसके साथ साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक यू सो मच।